नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेली राशन कार्ड डिटेल्स चेक कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी अपने राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का बदलाव या करेक्शन, या दोस्तों आपने जो अपना नया राशन कार्ड बनवाने को दिया है और दोस्तों आप जो है अपने राशन कार्ड की डिटेल को चेक करना चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड में कितने यूनिट हैं, किन किन लोगों का आधार जो उसमें है लिंक है, और दोस्तों जो है आपने जो भी करेक्शन कराया उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से जो है डेली राशन कार्ड डिटेल को चेक किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला दोस्तों। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीके से आप जो है अपने राशन कार्ड डिटेल को चेक कर पाएंगे। एक तो दोस्तों आप जो है सीधे अपना राशन कार्ड डाउनलोड करके जो है अपना यहां पर राशन कार्ड डिटेल को चेक कर पाएंगे, एक दोस्तों वो जो है यहां पर अपने जो है स्टेटस को भी आप यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है आपको अपने राशन कार्ड डिटेल को चेक करने के लिए आपको अपने फोन की ब्राउजर में आ जाना है और यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है। यहां पर आपको लिखना है NFS दिल्ली, यहाँ पे आपको लिखना है NFS दिल्ली, इतना लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको लिख के सर्च करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक साइट आ जाती है NFSdelhi.govt.nic.in। आपको सिंपली इस वाली साइट पे जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही इस वाली साइट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर दिल्ली यहाँ पे फूड सुरक्षा ये दिल्ली सरकार की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आपको अपने राशन कार्ड डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर आपको साइड पर आना है, राइट हैंड की तरफ यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ आपको आना है और यहाँ पर एक आपको नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक फूड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आप अपने राशन कार्ड की डिटेल को चेक कर पाएंगे ट्रैक योर फूड सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों आपको यहां पर देखना है, यहां पर आपको आधार नंबर ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स, मतलब कि आप जो है अपना राशन कार्ड की डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आप अपने फैमिली में से किसी का भी आप यहां पर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। दूसरा, आप यहां पर NF एप्लीकेशन ID ऑनलाइन सिटीजन होती है, जो आपने अपना फॉर्म ऑनलाइन किया होगा तो आपको एक नंबर मिला होगा, तो आपको वो भी यहाँ डाल के यहाँ पर जो है अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नया वाला पुराना जो भी है वो भी डाल के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो है यहाँ पर राशन कार्ड नंबर है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बाद में बताऊंगा, चलिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है ये मेन पेज है, यहाँ पर मेन ऑफिशियल, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ई राशन कार्ड डाउनलोड का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर आपके जो है दिल्ली के सर्कल आ जाते हैं जितने भी हैं, आपको जो अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है उसके बराबर में आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिक संख्या मिलेगी, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपके जो यहाँ पर सर्कल की जो लिस्ट है वो यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब जैसे आपको यहाँ पर राशन कार्ड नाम अपना देख लेना है मिल जाता है, फिर आपको अपने नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में अब आपको आ जाना है वैक उसी वाली पेज पे जो मैंने अभी बताया था। चलिए मैं वहां पर आ जाता हूँ, यहाँ पर लिखा है ट्रैक फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं अपना यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद में आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरा राशन कार्ड यहाँ पर बन चुका है, अप्लाई ऑन 10/18/2013 को मैंने यहाँ पर जो है किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस डेज और यहाँ पर मेरा राशन कार्ड जो है अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो अपना राशन कार्ड नंबर डाल के या दोस्तों फैमिली में किसी का भी आधार कार्ड नंबर डाल के अपनी राशन कार्ड का जो है डिटेल को चेक कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, आपने जो करेक्शन कराया है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।